नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का रैम को फ्लैश करके आप कैसे फास्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा ट्रिक है और बहुत ईजी ट्रिक है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हो तो ये ट्रिक आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के रैम को फ्लैश करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और न्यू पे जाना है और उसके बाद शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये पाथ आपको पेस्ट कर देना है। ये पाथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ रैम क्लीन लेना, ठीक है, और फिनिश कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका आइकन भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इस रैम क्लीनर पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस सिंपली आप इसे छोड़ देना, ठीक है। कुछ देर के लिए हो सकता है तो आपका लैपटॉप स्लो हो जाए, जब तक आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का रैम मेमोरी फ्लैश हो रहा हो तब तक स्लो हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका पहले से ज़्यादा ही फास्ट हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करके देखना, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।